भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आदमी सोचता है कि छल करने से सफल हो जाऊंगा, कपट करने से सफल हो जाऊंगा, मायाचारी से सफल हो जाऊंगा। आदमी सोचता है कि क्रोध करो तो दुनिया मेरे बस में हो जाएगी, वह क्रोध करता है। लेकिन जो आदमी क्रोध नहीं कर सकता है वह मान में जीता है कि दुनिया का नाश ना हो, दुनिया मेरे बस में रहे, वह मान कसाए है। लेकिन जो आदमी ना मान कर सकता है ना क्रोध कर सकता है वह आदमी अपनी सफलता के लिए छल का सहारा लेता है। छल बड़ा खतरनाक, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक चालाकी, क्रोध से भी ज्यादा डेंजरस कोई कसाय है तो छल कपट है। क्रोध तो फिर भी दिख जाता है, छल कपट दिखता नहीं है, भीतर ही भीतर चलता है। क्रोध तो आएगा तो दिखेगा, उसे थोड़ी देर बाद शांत किया जा सकता है। क्रोध तात्कालिक पागलपन है, वह नष्ट हो सकता है, मिट जाता है। लेकिन छल ऐसा मीठा जहर है जो दिखता नहीं है लेकिन आदमी अंदर ही अंदर उस छल को किया करता है। छल को कौन जानता है, छल को कौन समझ सकता है? निश्चल आदमी छल को नहीं समझता, छली आदमी ही छल को समझता है। जो छल करना जानता है वो छल को पकड़ लेता है, जो निश्चल है वह छल की परिभाषा ही नहीं जानता है, जो निष्कपट है वह कपट की भाषा ही नहीं जानता है, उसके अंदर कपट का विचार भी पैदा नहीं होता है। हमारे अंदर छल, आप क्या सोचते हो कोई तुमसे छल करेगा तो तुम्हारा कोई नुकसान करेगा? आपको लगता है छल करके सामने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करेगा, धोखा दे बहुत बड़ा नुकसान करेगा? कुछ नहीं होता, निश्चल आदमी का कुछ भी नहीं हुआ करता है, छली आदमी का ही सर्वनाश हुआ करता है। निश्चल का क्या बिगड़ेगा, जो निश्चल है तो है। ध्यान रखिए, आदमी सोचता है कि छल करके दौलत कमा लूंगा, पैसा कमा लूंगा, रुपया कमा लूंगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म वंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। छल से लक्ष्मी मिलती तो ध्यान रखना दुनिया में कोई निर्धन होता ही नहीं, लक्ष्मी तो पुण्य से मिला करती है, छल से नहीं मिलती। छल से तो लक्ष्मी जाती है, छल से तो लक्ष्मी दामन छुड़ा लेती है, छल से तो लक्ष्मी आपके पास जो आज है कल किसी और के पास पहुंच जाएगी। जो पुण्य करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त होता है। छल कपट से बचने का प्रयास करो। माननीय लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में छल है, सारी दुनिया कपट करती है, कैसे इससे बचें, कैसे इनसे बचने का प्रयास करें? प्रश्न ही गलत है। दुनिया कपट करती है, मैं इससे कैसे बचूं? दुनिया धोखा देती है, मैं धोखे से कैसे बचूं? दुनिया मेरे साथ मायाचार करती है, मैं इस माया से कैसे बचूं? अरे नादान ये मत सोच कि दुनिया धोखा करती है। अरे दुनिया क्या करती है, तेरा पूरा जोर दुनिया पर है, ये दुनिया पे रहने का विश्वास नहीं रह गया है, इस दुनिया में इतना छल है कि जीने का मन नहीं किया करता है। पागल, दुनिया में इतना छल है। आपसे निवेदन है, ये प्रश्न ही उल्टा है कि दुनिया में छल है तो मैं इससे बचूं कैसे? प्रश्न तो ऐसा होना चाहिए क्या मैं इस कपट में जीता हूं? महावीर कहते हैं दुनिया की परवाह मत कर, ध्यान रखना, जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। दुनिया की कपट मिटाना चाहते हो क्या अपने आप से पूछ सकते हो? प्रश्न तो ये होना चाहिए क्या मैं निष्कपट हूं? ध्यान रखना, मालूम है
छल का खेल खेल रहे हैं अपन। हम सब रात दिन कपट का खेल खेलते हैं। फर्क इतना पड़ता है कि कपट का खेल जब दो लोग खेलते हैं अपने जीवन में, एक एक्स है एक वाई है, दोनों यदि कपट का खेल खेल रहे हैं तो ध्यान रखना शिकायत कौन करेगा। जो छल के खेल में हार जाता है वह शिकायत करता है, वो जो खल के खेल में जीत जाता है वह नहीं कहता कि छल हो रहा है कपट हो रहा है। जो हारता है वो कहता है मेरे साथ छल हुआ, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ चीटिंग हुई है, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ मायाचारी की गई है। जीतने वाला बोलेगा क्या? जो छल के खेल में जीत गया वो इसकी परवाह नहीं। मान्यवर बात छोटी है बात बहुत गहरी है। ध्यान रखना तुम हार गए तो शिकायत करते हो मेरे साथ धोखा दिया गया मेरे साथ छल किया गया। एक बात याद रखना जब तुम दो लोग छल का खेल खेल रहे थे तो एक बात बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इसमें कोई बड़ी बहादुरी नहीं है कि जो छल में जीत गया, अरे जिसका दाव भारी पड़ गया वो जीत गया और जिसका दाव भारी नहीं पड़ा वो हार गया। हारने वाला कहेगा मेरे साथ छल हो रहा है। मालूम है लोग तुमसे छल करें या नहीं करें, तुम छल करते हो या नहीं, उत्तम आर्जव धर्म आज इस बात की शिक्षा देगा आपको। छल तो सभी करते, कपट तो सभी करते, मायाचारी तो सभी करते हैं। आपसे यही कहूंगा किसी के छल करने से अपना कुछ बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन जब हम छल करते हैं तो हमारा बिगाड़ जरूर हो जाया करता है। किसी के मुंह पे कालिख पोतने से पहले अपने हाथों को काला करना पड़ता है, ध्यान रखना। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए गड्ढा तुम्हें अपने आप से खोदना पड़ेगा, ध्यान रखना। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे। जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा, जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां। आग लेकर बस्तियां जलाओगे तो तुम्हारा घर बस पाएगा क्या, तुम्हारा घर बच पाएगा क्या? और पूरी बस्ती जला के तूने अपना घर बचा भी लिया तो फिर ऐसी मरघट की बस्ती में जीकर तुझे क्या प्राप्त होने, कुछ प्राप्त? अकेला घर बचे पूरी बस्ती जल जाए क्या मिलेगा जिंदगी में उसको? ध्यान रखिए ये बस्ती है तो जीना है, ये लोग हैं तो हम जी रहे हैं। सोचो इस दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाए और तुम अकेले इंसान इस धरती पर रहो तो बोलो वो तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं मौत का दूसरा रूप हुआ करती है, ध्यान रखना। ये सब लोग हैं इसलिए तो आनंद आ रहा है, ये सब यहाँ एकत्रित हैं इसलिए तो उत्सव उत्सव सा लग रहा है, महोत्सव सा लग रहा है। किसी जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए और बोले कि जाओ अब उत्सव मनाओ अपनी जिंदगी में, अरे वो उत्सव नहीं, वो किसी मातम से कम नहीं हुआ करता है। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। आपसे निवेदन है छल कपट से बचो। चिता जल रही है उसमें छल भी बैठा है और निश्चल भी बैठा है, उसमें कपट भी बैठा है निष्कपट भी बैठा है। कभी ख्याल करना होली को याद रखना, होली का दहन होता है ना हिंदुस्तान में, होली का जलाई जाती है, होली होती है अग्नि की चिता बनाई गई है, आग जल रही है उसमें होली का बैठी है, किसको लेकर बैठी है, किसको लेकर बैठी है? एक संकेत है ध्यान रखना, बैठी या नहीं बैठी मुझे नहीं मालूम, ये कहानी सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस कहानी ने संदेश बहुत अच्छा दिया है। उसने ये संदेश दिया है कि एक बुआ अपने भतीजे को लेकर के बैठती है, एक छल निश्चल को गोद में लेकर के बैठता है। आप बताइए जब छल निश्चल को गोद में लेके बैठता है तो बोलो नुकसान छल का होता है या निश्चल का नुकसान हुआ करता है? आपको मालूम है प्रत्यक्ष उदाहरण है, इन घटनाओं से इन कहानियों से कुछ शिक्षा लीजिए। निष्कपट भाव से बैठा प्रहलाद उसे आग नहीं जला पाती है और छल भाव से बैठी होलिका धू धू करके जल जाती। छल से किसका नुकसान हुआ, दूसरे का
या खुद का विचार करिए। रावण छल से सीता का हरण करने आता है, साधु का भेष बनाता है, आप बताओ नुकसान सीता का हुआ या रावण का नुकसान हुआ करता है? आप विचार, आप कहते वो आदमी मुझसे छल कर रहा, अरे करने दो ना, उसकी मर्जी है, वो छल करे कपट करे, तू कपट मत कर, क्योंकि सीता के सामने रावण यदि रावण के रूप में आता तो सीता का कभी हरण नहीं होता, लेकिन जब रावण छल से साधु का रूप बनाता है तो सीता भी धोखा खा जाती है। विचार करो उस धोखे से, उस छल से नुकसान किसका हुआ, रावण का या सीता? अयोध्या बर्बाद हुई या लंका बर्बाद हुई? आपसे पूछना चाहता हूं, लंका हुई ना, एक लखपूत सवा लख नाती, तहां रावण घर दिया ना। ध्यान रखना, रावण के घर में उसकी समाधि पर कोई दिया जलाने वाला नहीं था, और सीता जब राम के साथ अयोध्या लौटती है, सारी अयोध्या दीपावली के दीप जला दिया करती है, उनका स्वागत किया करती है। वो निश्चल भाव में जी रहे थे, वो छल भाव में जी रहा था। पारसनाथ निश्चल थे, निष्कपट थे, कमठ कपट में जी रहा था। नुकसान किसका हुआ, पारसनाथ का या कमठ का नुकसान हुआ? ध्यान रखना, रिजल्ट देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करना है करो,